बसाक बाल बसकोंडा नारे तकबीर नारे रिसालत नारे हैदरी नारे भुट्टो। मेरे नगर के भाइयों और बहनों अस्सलाम वालेकुम। ये हम सबको पता है कि नगर के अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के वफादार साथी है। नगर के अवाम शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के चाहने वाले हैं और नगर के अवाम बिलावल भुट्टो जरदारी के भाई हैं। यहाँ के जो पार्टी कारकुन है मैं आप सबको सलाम पेश करता हूं कि आप कायदे आवाम का नजरिया को शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का मंशूर के लिए यहां कारो करम के जो पहाड़ों है उनके दरमियान हमारे मंशूर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। हम खास तौर पे जो पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स हैं जिनके खून पसीने इस पार्टी की जद्दोजहद में शामिल है उनको भी सलाम पेश करता हूं, खास तौर पे कुर्बान अली साहब और याया शाह साहब को हम सुर्ख सलाम पेश करते हैं। आपका नजरियाती रिश्ता है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ। हमारा नजरिया क्या है कि इस्लाम हमारा दीन है, जमहूरियत हमारा सियासत है, मुसवात हमारा मईशत है, ताकत का सर चश्मा अवाम है और शहादत हमारी मंजिल है। साथियों, जो भी हकूक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मिले हैं वो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के तरफ से मिले हैं। मगर आप जो आपका जिदोजहद है, जो आपका लोकल कियादत, आपका सूबाई तंजीम ने कुछ सालों से तहरीक चला रहे हैं, जिसके सिलसिले में मैं भी पहले यहां नगर पहुंचा था, गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया हूं और वो तहरीक हक़ हाकमियत के लिए है, वो तहरीक हक़ मलकियत के तहरीक है और वो तहरीक गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों के हक़ रोजगार की तहरीक है। ये हमारा मंशूर का हिस्सा है, ये मेरे आपसे वादा है, ये मेरे आज का नहीं 2018 से आपसे वादा है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हकूक देना है, सुबह देना है। हमने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नेशनल असेंबली और सेनेट में बिठाना है। हमने नगर के अवाम को, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को ना सिर्फ एक ताकतवर वजीर आला देना है, मगर अगर नगर के अवाम चाहते हैं, अगर नगर के मेरे बहनों या भाइयों चाहते हैं तो वो जिदोजहद करके उनको ये हक हासिल होना चाहिए कि वो अगर बनना चाहे तो मुल्क का वजीर आजम भी बन सकते हैं। वो लोग जिन्होंने खुद अपना आजादी छीनी, जिन्होंने खुद डोगरा राज का खात्मा किया और पाकिस्तान के साथ दिया, ये किस किस्म का नाइंसाफी है कि 70 सालों से हम इन मुहिब वतन लोगों को अपने ही हकूक से महरूम रख रहे हैं। ये किस किस्म का इंसाफ है, ये किस किस्म की इंसाफ है
आपको पता है कि पाकिस्तान के कुछ इलाके ऐसे हैं, पाकिस्तान में ऐसे कुछ साजिशी नासिर है जो अलैदगी के तहरीके चला रहे हैं, मगर मेरे गिलगित बल्तिस्तान के बहादुर अवाम शमूलियत के तहरीक चला रहे हैं और ये लोग मानने को तैयार नहीं है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब पाकिस्तान सरजमीन बेआईन था 1940 से लेके 1947 से लेके 1970 तक पाकिस्तान इत्तेफाक नहीं कर सके कि हमारा आईन क्या होगा, तो फिर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को आईन दिलवाया, इस्लामी जमहूरी पार्लियामानी निजाम दिलवाया। तो अगर आज मेरा गिलगित बल्तिस्तान सरजमीन बेआईन है तो मेरा सामने जो काराकोरम के पहाड़ है और मेरे पीछे जो राकापोशी के पहाड़ है, मैं इनको गवाह बना के कहता हूं कि मैं गिलगित बल्तिस्तान को आईन दिलवाएंगे, मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हकूक दिलवाऊंगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहां नहीं रुकना चाहते हैं। हमें शक है कि कुछ ऐसे लोग, कुछ ये जो जमातें जो आखिरी वक्त में हमारा पेज पे आ चुके हैं, हमें शक है कि ये सोच रहे होंगे कि सुबह तो अगर मिलता है हमें गंदम का सब्सिडी भी वापस ले सकते। कुछ ऐसे आपके मुखालिफ सोच रहे होंगे कि चलिए सुबह तो देंगे मगर टैक्स में इजाफा करेंगे। मैं आपको साफ बता रहा हूं कि हम किसी को इजाजत नहीं देंगे, हम किसी को इजाजत नहीं देंगे। हम ना सिर्फ आपको सुबह दिलवाएंगे जो भुट्टो शहीद का दिया हुआ सब्सिडीज है उनका भी तहफ्फुज करेंगे, किसी को इजाजत नहीं देंगे कि आपसे आपका हक छीन, आपसे आपका हक छीने। जो 70 साल से हमने नाइंसाफी किया है उसको पहले हमने कंपनसेट करना है। ये जो चोर दरवाजों से आप पे टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, सुबह बनने से पहले नोटिफिकेशन टैक्स से टैक्सेस का नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, हम उसका भी मजम्मत करते हैं, उसको भी रोकेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हके मलकियत भी दिलवाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के गरीब किसानों को जमीन दिलवाया था, कायदे अवाम ने बेजमीन किसानों को जमीन दिलवाया था, और अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बना रही है और 15 नवंबर के बाद 3 महीनों के अंदर ही अंदर अमजद 3 महीनों के अंदर ही अंदर हर हके मलकियत का कानून साजी करेंगे। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपने ही सरजमीन का मालिक बना के रहेंगे, हम नगर के अवाम को अपने ही सरजमीन का मालिक बना के रहेंगे, ऊपर पहाड़ों से लेके नीचे आपके दरिया तक आप इसका मालिक बनेंगे। जो मातनियात है आपके पहाड़ों में छुपे हुए हैं आप उसके भी मालिक बनेंगे, और फिर इंशाल्लाह ताला जो इंशाल्लाह ताला मुआशी इंकलाब गिलगित बल्तिस्तान में शुरू होगा अब बाकी पाकिस्तान को पीछे छोड़ेंगे। ये हम तो यहां भी हम इसके बावजूद इसके जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के बेरोजगार अवाम है, खास तौर पे जो हमारा पढ़ा लिखा नौजवान है जो दो डिग्रियां हाथ में लेकर घूम रहे हैं मगर उनको रोजगार नहीं मिल रहा, वो ना सिर्फ यहां घूम रहे हैं पूरे पाकिस्तान घूम रहे हैं रोजगार की तलाश में घूम रहे हैं मगर उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यहां के नौजवानों को हके रोजगार दिलवाएगा। हम ये कैसे करेंगे? ये तो हमारा तारीख है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने तो ये हमेशा किया है, चाहे वो भुट्टो शहीद का दौर हो
भुट्टो शहीद ने तो तारीख में सबसे ज्यादा रोजगार दिया था। भुट्टो शहीद ने यहां से लेके पूरे पाकिस्तान में रोजगार दिलवाया था। ना सिर्फ पाकिस्तान में रोजगार दिलवाया था मगर पाकिस्तानी नौजवानों के लिए बैरूने मुल्क में रोजगार की बंदोबस्त किया था, उनको मुफ्त पासपोर्ट दिलवा के बाहर रोजगार दिलवाया था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इसी सोच के साथ सियासत की, इसी नजरिया के साथ सियासत की, और यही वजह है कि जब बीबी के बीबी के लिए मशहूर थी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए मशहूर थी कि बेनज़ीर आएगी रोजगार लाएगी, बेनज़ीर आएगी रोजगार लाएगी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को पूरे पाकिस्तान के कौमी इदारे में उनके भर्तियां किए थे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ना सिर्फ यहाँ के नौजवानों को, ना सिर्फ हमारा मजदूरों को, मगर पाकिस्तान के औरतों को भी रोजगार दिलवाई थी। चाहे वो लेडी हेल्थ वर्कर्स हो, चाहे वो लेडी पुलिस हो, चाहे वो फर्स्ट वुमेन्स बैंक हो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने ना सिर्फ मर्दों को रोजगार दिलवाई थी मगर औरतों को भी रोजगार दिलवाई थी। और इंशाल्लाह ताला 15 नवंबर के बाद आपका हुकूमत बन रही है, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है, नगर की हुकूमत बन रही है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को भी रोजगार देंगे। जो भी मंसूबे बिल्कुल जो भी मंसूबा, चाहे वो सी पैक हो या वफाक की तरफ से हो या सूबाई मंसूबे हो, जो गिलगित बल्तिस्तान में चल रहे हैं उसमें सबसे पहले तरजीह मुकामी गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को रोजगार में तरजीह दिया जाएगा। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ना सिर्फ रोजगार देती है मगर उस रोजगार के साथ साथ हम तनख्वाह में भी इजाफा करते हैं, हम पेंशन में इजाफा करते हैं। हम जहां कल मैंने तकरीर उस सरजमीन पे किया था जहां सबसे ज्यादा शोदा है, पाकिस्तान की फौज के सबसे ज्यादा शोदा है, और वहां मैं अपने गाजियों को समझा रहा था कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही था जिसने फौज की तनख्वाह में, सिपाहियों की तनख्वाह में, जो हमारा सरहदों का दिफा करते हैं, जो दहशतगर्दी से लड़के शहादतें कबूल करते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सदर जरदारी ने इन सिपाहियों की तनख्वाह में 175% इजाफा किया। ये ना पीटीआई की हुकूमत कर सकती है, ना नून लीग की हुकूमत कर सकती है, ना किसी आमिर की हुकूमत ने किया है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है। और हमारे जाने के बाद तनख्वाह में इजाफा नहीं कटौती हुआ है, पेंशन में इजाफा नहीं कटौती हुआ है। मेरा आपसे वादा है कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है, आपका रोज आपका तनख्वाह में इजाफा होगा, हमारा बुजुर्ग पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा होगा, हम अवाम दोस्त मुआशी पॉलिसीज लेकर आएंगे। साथियों, पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने हमेशा यहां की गरीब अवाम, पूरे मुल्क की गरीब अवाम की खिदमत की है। हमने इनकलाबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम शुरू किया था और इस प्रोग्राम के तहत आज तक इस मुल्क के कोने कोने में जो गरीब तरीन औरतें हैं उनको अमदाद मिल रही है, मदद मिल रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है हुकूमत की तरफ से। और इंशाल्लाह ताला जब आपका हुकूमत फिर से आएगा, हम ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम में इजाफा करेंगे, ना सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तादाद में इजाफा करेंगे, मगर खास तौर वो जो हार्श एरियाज है, जो आपके यहां हार्श एरियाज डिक्लेयर किए जाते हैं, उसमें हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का खसूसी क्वाटा डालेंगे।
हमने तो जब सीपैक का शुरू किया था, जब सदर जरदारी ने सीपैक का मंसूबा शुरू किया था, तो ये मंसूबा पासमांदा इलाके को फायदा देना था। गिलगित बल्तिस्तान हो, फाटा हो, बलोचिस्तान हो, उनको सबसे पहले फायदा मिलना चाहिए था। मगर आज हम यहां खड़े हैं, गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में खड़े हैं, उन पहाड़ों जिनकी वजह से हमें सीपैक का तोहफा दिया गया है। हमें मालूम है कि अगर गिलगित बल्तिस्तान के सरहदों नहीं होते और बलूचिस्तान का पोर्ट नहीं होता तो पाकिस्तान को कोई सीपैक नहीं बनना था। ये आपकी वजह से है। तो फिर ऐसा क्यों है कि यहां के अवाम महसूस कर रहे हैं कि उनसे कोई फायदा नहीं हुआ, उनके लिए कोई काम नहीं किया जा रहा है। ग्वादर से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक एक सोच है कि बड़े बड़े शहरों के तो सड़कें और बड़े मंसूबे बन रहे हैं सीपैक के नाम पे, लेकिन जिन इलाकों की वजह से हमें सीपैक मिला है उनको क्यों महरूम रखा जा रहा है? पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी इस नाइंसाफी को सही करेगी। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का और चाइना के साथ, हमारे साथ भी तीन नस्लों के ताल्लुक है। जो इस मुल्क का चाइना के साथ रिलेशनशिप है वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इसकी बुनियाद रखा था। हमेशा पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में फाल हुआ है, और इंशाल्लाह ताला 15 नवंबर के बाद हमारा हुकूमत बन रही है। मैं खुद आपका जो यहां सुबाए हुकूमत बनेगा, आपका जो सुबाए वजीर होंगे, वजीर आला होंगे, मैं इन सबको खुद चाइना के दौरा पे लेके जाऊंगा। मैं खुद इनको चाइना के दौरा पे लेके जाऊंगा और बताऊंगा कि अगर इन्वेस्टमेंट हो रही है, अगर सीपैक में कामयाबी होना है तो हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इससे महरूम नहीं रख सकते। हम जानते हैं कि एक साल से आपका जो ट्रेड है चाइना के साथ बॉर्डर पे वो बंद पड़ी है, उस पे भी हम काम करेंगे इंशाल्लाह ताला। 15 नवंबर के बाद हम खुद पहुंचेंगे, उनसे बात करेंगे और आपके ये जो मसला है इसका हल निकालेंगे। मैंने तो पूरा नगर का दौरा किया है। कल हम उस तरफ थे, आज मैं आपके दरमियान में हूं। हमने आपके आपके रास्ते से खुद गुजरे हैं, आपके गांव से खुद गुजरे हैं, और जिस सड़क से हमने पहाड़ से कल उस इलाका से यहां पहुंचा रात के अंधेरे में, हम तो यहां के अवाम के लिए फिक्रमंद है, आपका सेफ्टी के लिए फिक्रमंद है। हमें इस सड़क को बनाना है। ये कैसे मुमकिन है? अब तो बर्फबारी भी नहीं हुआ है। जब बर्फबारी होता तो वहां बहुत ही एक्सीडेंट्स हो रहे होंगे, बहुत से नुकसान हो रहा होगा। हम उसको इंशाल्लाह ताला शारे नगर में तब्दील करेंगे और यहां के अवाम को इस इलाके में जो कनेक्टिविटी का मसला है इसको हल करेंगे। यही तो फायदा है ना, यही तो फायदा है कि मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान का चप्पा चप्पा का दौरा किया हूं। यही तो फायदा है कि मैं बाय रोड खबलू से होके आपके पास पहुंचा हूं। तो मुझे पता है कि यहां के अवाम का मुश्किलात क्या है। मुझे पता है कि आप किस किस्म की तकलीफ से गुजरते हो, और इंशाल्लाह ताला जब आप मुझे मौका देंगे तो मुझे याद होगा कि जब मैं गिलगित सकर्दू रोड पे ड्राइव कर रहा था और रोड 2 के नजदीक पहुंच रहा था तो वहां तो लैंडस्लाइड हुआ था, वहां भी हमने बंदोबस्त करना है हमारे अवाम के लिए। और मुझे ये भी पता होगा कि मेरा नगर के अवाम का रोड भी बहुत ही खराब है, बहुत ही खतरनाक है, उसको भी सही करना है। काम तो हुआ तो सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने किया है, खिदमत हुई है तो सिर्फ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने की है। और नगर के अवाम को, वफादारी को मैं सलाम पेश करता हूं।
आपने हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ दिया है, आपने मुशर्रफ के दौर में हमारे साथ दिया है, अमराना दौर के हमारे साथ दिया है, नून लीग के दौर में भी आपने हमारे साथ दिया था, नून लीग के दौर में भी आपने हमारे साथ दिया था, और अब भी आप हमारे साथ देंगे, अब भी आप तीर पे थप्पा लगा के पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को जितवाएंगे। मुझे एक सीट नहीं, मुझे दो सीट चाहिए नगर के, दो सीट चाहिए, और दोनों हल्के के अवाम ने ये दोनों सीट जितवाना है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को, हमारे उम्मीदवार को अमजद एडवोकेट साहब को, सदर पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को आपने जितवाना है, वाजे अक्सरियत के साथ जितवाना है। साथियों, हमारा कामयाब इलेक्शन कैंपेन देख के सिलेक्टेड हुकूमत घबराना शुरू हो गया है, इमरान घबराना शुरू हुआ है, उसने हर हथकंडा इस्तेमाल करने की कोशिश की और कर रहा है, धांधली करने की कोशिश कर रहा है। मेरा नगर इससे सबसे एक बड़ा एग्जाम्पल है। यहां आपका जावेद हुसैन साहब हो या अख्तर साहब हो, दोनों को नाअहल किया गया है। इन्होंने सोचा कि हमारे उम्मीदवारों को नाअहल करके वो किसी साजिश के तहत हमसे नगर छीन सकते हैं। हम नगर के अवाम के दिल में बसते हैं और नगर के अवाम हमारे दिल में बसते हैं। करो जो आपने करना है। जितने गंदे वजीर भेजने हैं भेजो, जितने वजीरों ने आके भोंकना है उनको भोंकने दो, मगर नगर के अवाम गैरतमंद लोग हैं, बहादुर लोग हैं, वफादार लोग हैं। वो कल भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ करे थे और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ करे। वो उम्मीद कर रहे थे, वो सोच रहे थे, ये नालायक नाअहल सिलेक्टेड वाले सोच रहे थे कि हम तो वफाक में हुकूमत में हैं, हम आसानी से हुकूमत के बल्तिस्तान में बनाएंगे। अब उनको पता चला है कि इस बार पहले गिलगित बल्तिस्तान का हुकूमत बनेगा, फिर जो गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाएगा वो वफाक में हुकूमत बनाएगा। 15 नवंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत बनाएगी और जनवरी के बाद हम अपने इत्तेहादियों के साथ वफाक में हुकूमत बनाएंगे। इमरान ना सिर्फ सिलेक्टेड है, अब तो वो अबूरी वजीर आजम है, वो आपको कोई सूबा नहीं दे सकता है। इमरान का तो हर वादा झूठा निकला, इमरान का हर वादा धोखा निकला। हमें तो बताया जाता है, हमने सीखा है कि मुनाफिकत के चार निशानी है, एक के बात करें तो झूठ बोले, दो अमानत में खयानत करे, तीन झगड़ा करे तो गाली दे, और चार वादा करे तो वादा खिलाफी करे। ये चारों को चार जो निशानी है, जो मुनाफिकत का निशानी है, ये सारे हमारे वजीर आजम में है। तो अब हमारा वजीर आजम ना सिर्फ सिलेक्टेड है मगर मुनाफिक वजीर आजम है। आपने इस मुनाफिक को गिलगित बल्तिस्तान की सरजमीन से भगाना है, आपने इन जालिमों को इस सरजमीन से भगाना है। मैं खास तौर पे यहां जो ये बीबीसी के हमारे दोस्त यहां शरीक हैं और हमारे साथ इस इलेक्शन में दे रहे हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूं, आपका शुक्रिया गुजार है,
आपको ना सिर्फ हमारा इत्तेहादी होना चाहिए, आपको तो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी को ज्वाइन करना चाहिए। आपका फैसला को मैं इसलिए भी सलाम पेश करता हूं, इसलिए जिस तरीके से कुछ मजहबी जमाते, जिसका हम एहतराम भी करते हैं, जिसका हम एहतराम तो जरूर करते हैं, मगर इन्होंने इलेक्शंस के दौरान हमें मायूस किया है, इसलिए कि हर इलेक्शन में वो तो हुकूमत वक्त के साथ देने की कोशिश करते हैं, वो तो जालिमों के साथ खड़े हैं। उनसे हमें ये उम्मीद नहीं था, हमें ये उम्मीद नहीं था। इमरान का तो यजीदियत की सियासत है, इमरान तो जालिम है। आपको तो शहीदों के जमात के साथ खड़ा होना चाहिए था, आपको तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जमात के साथ होना चाहिए था। ये कैसे हो सकते हैं, ये कैसे हो सकता है? कि कैसे हो सकता है कि हमारा मौलाना फजल रहमान साहब तो हमारा शाना बशाना खड़े होने को तैयार है, मगर इनको जो हम बहुत एहतराम करते हैं, यहाँ के जो मजहबी जमाते हैं वो इस्लामाबाद के कठपुतली के साथ खड़े हैं, वो बेरोजगारी और गुर्बत में इजाफा करने वाले के साथ खड़े हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बेरोजगार करने वाले के साथ खड़े हैं, वो हमारा पंजाब के किसानों को शहीद करने वाले के साथ खड़े हैं। ये नाइंसाफी है, ये नाइंसाफी है। मैं अपील करता हूं गिलगित बल्तिस्तान के सारे मजहबी जमातों से कि आप अपने फैसले पे गौर करें, आप अपना फैसले के गौर करें। ये आपके रवायत में नहीं होना चाहिए कि आप ताकतवर के साथ दो, जालिम के साथ दो, मुजलूम के साथ नहीं दो, झूठ के साथ दो, इंसाफ के साथ नहीं दो। ये तो आपका रवायत नहीं बनना चाहिए। पूरा गिलगित बल्तिस्तान में, पूरा गिलगित बल्तिस्तान में आपके लिए एक ही जमात है, आपके लिए एक ही जमात है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। ये आपको भी पता है, ये नगर के अवाम को भी पता है। ताकत के पीछे, ताकत के साथ ना दो, हुकूमत के साथ ना दो, अवाम के साथ दो, अवाम के साथ खड़े हो। हम आप पे उम्मीद करते हैं, हम जानते हैं कि इस बार अब नगर के दो सीट निकालेंगे हमारे लिए, और इतना भारी अक्सरियत से हमारे उम्मीदवारों को जितवाएंगे, इतना भारी अक्सरियत से आप जितवाएंगे कि बाकी सब तो जमानत जब्त हो जाएंगे। आप तो हमें तो तीन नस्लों से जानते हैं। आप जानते हो कि जब कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो वादा करता था तो वादा पूरा करता था, जब शहीद मोहतरमा बैनी अली भुट्टो ने वादा किया तो वादा पूरा की। अब मैंने आपके सामने, मैंने वादा भी किया है, आप सबसे वादा किया है, और आप जानते हो कि मैं अपने वादा पूरा करूंगा। आपको ये भी पता है, अब तक तो आपको ये भी पता है कि जो भी वादा इमरान ने किया, जो भी वादा इमरान ने किया उससे यू टर्न लिया है, वादा खिलाफी किया है। तो आप अपने दोस्तों को बताएं, अपने बुजुर्गों को बताएं, हर इलाकों से ताल्लुक रखने वालों को बताएं कि पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के साथ तो, तीर के साथ तो, गिलगित बल्तिस्तान को इस तब्दीली के नाम पे जो तबाही पूरे मुल्क में फैल रही है, उन गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को इसे बचाना पड़ेगा। आखिरी बात, मैंने कुछ यहां सिग्नल का भी मसला है, उसका भी हल हमने निकालना है आपका कनेक्टिविटी का। मुझे एक खबर मिली है कि जो कराची का इंसिडेंट हुआ था, जो कराची में इंसिडेंट हुआ था हमारा पीडीएम के जलसे के बाद, उसके बाद मैंने मुतालबा किया था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कि वो इंक्वायरी करे और एक्शन लो, और मुझे ये खुशखबरी मिल रही है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इंक्वायरी भी किया, इंक्वायरी मुकम्मल हो चुका है और एक्शन भी लिया चुका है। इस स्टेप को हमें वेलकम करना चाहिए, इस किस्म से एक्शन से इदारों के इंटेग्रिटी में इजाफा होता है। और जो बुरी तरीकाकार यही है,
कि जो भी गलती हो उसकी तहकीकात हो और अगर किसी से गलती हुआ हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि ये शुरुआत है और इसी सिलसिला को हम आगे लेके चलेंगे। जम्हूरियत के लिए, पाकिस्तान के लिए हमें सब मिलके काम करना पड़ेगा। नगर के अवाम पे मैं उम्मीद रखता हूँ, मैं आप पे फख्र भी करता हूँ और जानता हूँ कि 15 नवंबर को एक ही जमात को आप जितवाएंगे, पीपुल्स पार्टी को जितवाएंगे, तीर को जितवाएंगे। अच्छा, नगर का निशान क्या, कारो करम का निशान क्या, राको पोशी का निशान क्या, बहादुरों का निशान क्या, गैरतमंदों का निशान क्या, नौजवानों का निशान क्या, शहीदों का निशान क्या? नारे भुट्टो।